अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही ईजी, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से रेडी होने वाला कंडेंस मिल्क। ये बहुत से मीठों में यूज़ होता है, फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए और मीठों को गाढ़ा करने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 2 कप फुल फैट मिल्क। फुल फैट जो हम लोग आम घर में यूज़ करते हैं वही वाला दूध, कोई स्पेशल नहीं है। और साथ में इसमें जाएगी 1 कप चीनी। जो सा कप आपने दूध की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया होगा वही कप आप चीनी की मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। और अब चीनी को हम लोग अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको एक बॉयल दिलवा लेंगे। यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब इसके 2 तरीके हैं बनाने के। एक तरीका ये है कि आप इसके बिल्कुल फ्लेम को हल्का कर दें और इसको टाइम दें पकने के लिए। ये खुद ही पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा, बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीच में चम्मच हिलाते रहें। और दूसरा तरीका ये है कि आप मीडियम टू हाई फ्लेम ही रहने दें और कंटिन्यूस चम्मच हिलाते रहें और देखते जाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तकरीबन 30-40 मिनट्स लग जाएंगे। मैं दूसरा तरीका यूज़ कर रही हूँ, मैंने फुल फ्लेम रखा हुआ है और मैं कंटिन्यूस चम्मच हिलाती जा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दूध का कलर भी डार्क होता जा रहा है और गाढ़ा भी होता जा रहा है और रिड्यूस भी हो चुका है काफ़ी हद तक। बस चम्मच आपने कंटिन्यूस हिलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक उसका कलर डार्क हो गया है और काफ़ी मुझे गाढ़ा भी लगना शुरू हो गया था। बिल्कुल मैं हाई फ्लेम पे इसको कुक कर रही हूँ कंटिन्यूस और चम्मच पे हिलाती जा रही हूँ। अब जब मुझे लग रहा है कि काफ़ी गाढ़ा हो गया और काफ़ी इसका कलर भी कंडेंस मिल्क वाला हो गया है डार्क, तो अब मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया और उसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि गर्म है सारा मिक्सचर, थोड़ा सा 1 स्पून में निकाल के इसको मैंने फ्रिज में स्पून रख दिया ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये थिक हो चुका है ठंडा होने के बाद। बाकी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया हुआ है और इसको अब मैं नीचे, ये देखिए काफ़ी वो थिक हो गया, इसका मतलब रेडी हो गया हमारा कंडेंस मिल्क। क्योंकि मिक्सचर जब गर्म होता है, कंडेंस मिल्क जब गर्म होता है तो वो पतला होता है, इतना भी पतला नहीं होता लेकिन ठंडा होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और इधर आप देखें अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ लेकिन ये बहुत गाढ़ा हो चुका है अभी भी, और जब ये आप फ्रिज में रखेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ईजीली बन जाता है घर में। अब आप घर में बनाएं और मीठों में घर में बनाया हुआ कंडेंस मिल्क यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।